अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। तो यहाँ पे है ना, ये सुबह सुबह का टाइम था तो बहुत अच्छा मौसम बना था। तो देख लीजिए, ये 9-10 बजे का टाइम है और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है और बहुत अच्छा मौसम था। तो हमें मन कर रहा पकौड़े खाने का, प्याज वाले। तो मैंने सोचा कि प्याज वाले पकौड़े करा जाए। मैंने इस वीडियो को शॉर्ट वीडियो के लिए बनाया था, मगर ये थोड़ा लंबा होने की वजह से मैं लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। तो जी देख लीजिए, ये है प्याज। मैं ऐसे स्लाइस में कट करके रखी हूँ प्याज, और इसमें हरी मिर्ची डाली हूँ और हरी धनिया डाली हूँ खूब सारी। तो प्याज के पकौड़े किस किस को पसंद है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसमें है ना नमक डाली हूँ और अजवाइन डाली हूँ। अजवाइन डालना बहुत अच्छा है और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। मैं इसमें सोडे का आटा नहीं डाली हूँ, मुझे उतना खास अच्छा नहीं लगता सोडे का आटा। तो देख लीजिए, यहाँ पे मैंने उतनी सारी चीज़ें डाल दी। अब डालूंगी मैं बेसन। बेसन छान को डालना ज़रूरी है, क्योंकि घर में बेसन नहीं था तो मैं ये दुकान से लेकर आई थी, तो अच्छा है कि नहीं पता नहीं था, उसके वजह से छान के डाल रही थी। तो बेसन डालने के बाद है ना, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बेसन छान के डाल दी हूँ। अब है ना पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले प्याज में पानी रहता है ना, इसके वजह से अच्छी तरह से हम हाथों के मदद से मिक्स करेंगे। बाद में जितना चाहिए पानी उतना हम डाल देंगे। तो ऐसे मौसम में किस किस को प्याज के पकोड़े या तो मिर्ची के पकोड़े खाना पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताना। और मेरे इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत लंबा नहीं है, 3 से 4 मिनट का वीडियो है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था, और मुझे थोड़ा सा इसमें आटा कम लगने की वजह से मैं और थोड़ा आटा डाल ली थी। और अभी इसी टाइम है ना थोड़ी पानी की ज़रूरत है, तो इसमें पानी डाल के भी मिक्स करेंगे। तो कुछ इस तरीके का हो गया हमारा आटा, तो तेल भी गर्म हो रहा है। तो चलिए अब डालेंगे प्याज के पकौड़े। कांदा भजी भी बोलते हैं ज़्यादातर इसे, मुझे तो प्याज के पकौड़े खाना बहुत अच्छे लगते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे डाल रही हूँ मैं प्याज के पकौड़े। तो मैं इसमें सोडे का आटा नहीं डाली थी, पाउडर नहीं डाली थी, फिर भी है ना इतनी क्रिस्पी और इतने फुले फुले बने थे, बताओ ना मत। अच्छी तरीके से आटे को हम फेंट लेंगे ना, तो इसमें सोडा पाउडर की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो यहाँ पे है ना मैं जितने इसमें तेल में जा सकते हैं उतने मैं पकौड़ी डाल दूंगी। तो ऐसे ही बने रहना मेरे ब्लॉग में। तो जी यहाँ पे धीमी आंच कर ली हूँ मैं, थोड़ा धीमी आंच में ही पकाना चाहिए पहले, बाद में क्रिस्पी हो जाते हैं ये, थोड़ा ब्राउन कलर के होने के बाद निकाल देंगे। आप हरी पुदीना रहा तो डालेंगे ना, उसकी टेस्ट भी कुछ अलग ही आता है, लेकिन मेरे घर में पुदीना नहीं था इसकी वजह से मैं नहीं बनाई। वैसे भी आज संडे था ना, तो संडे स्पेशल था ये हमारे घर में। तो देख लीजिए ये बन रहे हैं मेरे प्याज के पकौड़े। कुछ इस तरीके के बन चुके हैं अभी, अब इसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए प्याज के पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और मौसम बहुत अच्छा है, आप भी पकौड़े बना के खाते रहना। तो देख लीजिए कम तेल में बनने वाले प्याज के पकौड़े, और क्रिस्पी थे, मैंने वाइज निकाला है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।